कहते हैं कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। हमारे शर्मा जी की बड़ी फेवरेट शायरी है। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। ऐसा दौर है, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा भी बोलते रहिएगा। बोलिए मैया के प्यार की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की। ये बात जागते रहे, और अभी तक तो फिलहाल छोटे छोटे बच्चे तक सब जाग रहे हैं। एक धुन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, शायद आपको भी अच्छी लग जाए। कितने सावन बीत गए, को मेरा इनका कभी साथ नहीं हुआ है। आज पहला मौका है कि हम सब साथ में गा बजा रहे हैं, तो इस पहले साथ के लिए एक बार तालियां आपकी हो जानी चाहिए कि हम भाई बहन सब लोग मिलकर जो आपको सुना पा रहे हैं, आप सब लोग सुराह रहे हैं। तो कितने सावन बीत गए, बैठी हुआ चाहूंगी। फिल्मी गीत कह रहा हाय हाय रे मजबूरी। देखिए क्रांति माला जो आई है वो आपको बाकी लोगों से कुछ अलग हटकर सुनाने का प्रयास करेगी, जो आपको लगेगा कोई गीत सामने आया है। फिल्मी गीत कह रहा हाय हाय रे मजबूरी, उनकी मजबूरी ये है कि दो टकिया की नौकरी में लाखों का सावन जाए। हालांकि ये कोई मजबूरी नहीं है, ना जाने कितने सीमा पर सिपाही हमारे परिवार छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, उनकी पत्नियां अपनी मजबूरी नहीं गिनवाती, लेकिन ये गिनवा रही हैं। पर जो मेरे
मजबूरी है। मेरे गीत में चार माताएं हैं, चार माताएं हैं, चार पुत्र हैं और चार माओं की अलग अलग अपनी मजबूरी है। जब आप मेरा गीत, माता जी जब मेरा गीत सुनेंगी तो आपको फिल्मी गीत की मजबूरी आप भूल जाएंगी, आपको लगेगा कि असली मजबूरी तो बिटिया ने बताई है। और देखिए कौन सी मजबूरी है। माँ का नाम है, माँ का नाम है कयाधु। भैया हमारे आदरणीय श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी, आपके माध्यम से ये 501 मुद्राएं आपने भेंट किए हैं। सर्वेश भैया हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। माँ भवानी आप सबकी झोली भरी रखे। रवि भैया, हाँ रवि भैया, इस गीत को सुन लें आप भी। माँ का नाम है कयाधु, संजय भैया। पिता का नाम है हिरण्यकश्यप और पुत्र का नाम है प्रहलाद। दुनिया जानती है प्रहलाद को मरवाने के लिए उसके पिता ने तमाम प्रयास किए, इसलिए क्योंकि प्रहलाद रातों दिन भगवान का नाम जपता था। पिता नहीं चाहता था, पिता चाहता था कि प्रहलाद राक्षस घर में जन्मा है तो भगवान का नाम ना ले। ये सोचकर प्रहलाद को मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने कभी ऊंचे पर्वतों से उसे फिकवाया, कभी हाथी के पैरों से कुचलवाया, कभी जलते खंबे से चपाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं मरा तो एक दिन उसकी माँ यानी प्रहलाद की माँ कयाधु के हाथ में उसके पिता ने जहर का प्याला दे दिया और कहा जा जा कयाधु ये जहर जाकर प्रहलाद को पिला दे। अब आप सोच कर देखिए जिस माँ ने पैदा किया है वो कैसे कर सकती है, फिर भी वो दोनों तरफ फंसी है। उस माँ ने जहर को हाथ में तो ले लिया लेकिन वो माँ कह रही है, और देखिए क्या कह रही है, पति ने को है जहर पिलाना, के पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना। तो मातृ धर्म से बड़ा धर्म, मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, निभाना निभाना। तो हार गई माँ की ममता। देखिए किन पंक्तियों पर जा रही हूं, अभी नहीं पहले सुन लीजिए। और मेरी पंक्ति कह रही है कि हार गई माँ की ममता, के हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए। अब माँ कह रही है कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है। आपकी तालियां बज रही है लेकिन जाड़े की वजह से कम बज रही है, मिलकर ताली बजनी चाहिए। अरे ताली बजा दो एक बार। धीमे 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 सुन ले लीजिए के हार गई माँ की ममता। कोई भी माँ अपने बच्चे को जहर नहीं दे पाती, उसने पैदा किया है, लेकिन उस माँ के लिए माँ से बढ़कर पति है, क्योंकि वो सोच रही है मैं पति की बात नहीं मानूंगी तो मेरा सतीत्व मेरे पत्नी धर्म को। भैया हमारे सुरेंद्र यादव जी, क्या बात भैया, सुरेंद्र भैया ने अपार पुरस्कार हम लोगों को दे डाले हैं। सुरेंद्र भैया हृदय से नमन है आपको। और 101 मुद्राएं एक बिटिया हमारी दे गई है, उसको भी ढेर सारा प्यार है। धन्यवाद है, धन्यवाद।
है, क्या बात है भैया। हमारे डीके सिंह जी फिर से आप 101 मुद्राएं दे रहे हैं, धन्यवाद भैया को, धन्यवाद। तो हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए, तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे शहर पिलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, तो अपनों से होती दूरी। तो दो धर्म जहाँ टकराए, एक धर्म है माँ का, एक धर्म है पत्नी का। वो नारी सोच नहीं पा रही कि मैं माँ हूँ पहले कि पत्नी हूँ पहले। दो धर्म जहाँ टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब दूसरी माँ देखिए, दुनिया बदनाम करती है कि केकई बड़ी बुरी माँ है। संजय भैया, कोई भी अपनी लड़कियों का नाम केकई नहीं रखता, सुमित्रा रखता है, कौशल्या रखता है, सीता सावित्री रखता है, केकई नहीं। लेकिन मैं, मेरा मानना है केकई से ज्यादा महान नारी हो ही नहीं सकती। अगर केकई नहीं होती तो शायद मानस की रचना ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने खुद केकई को चुना, अपनी माँ को नहीं चुना, केकई को चुना कि केकई मैया मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास तू मुझे मांग। केकई ने कहा, जा पुत्र, दुनिया के हित के लिए मैं अपने ऊपर कलंक का टीका लगा लूंगी, लेकिन तुझे वन जाने के लिए कहूंगी। भरत ने उल्टी सीधी बातें सुनाई, लेकिन केकई कह रही है, सुनिए क्या। के राज मुकुट वाली के पास है, जब तक राज का मुकुट नहीं आएगा तब तक राम राजा बनेंगे कैसे। तो राज मुकुट वाली के पास है, राज मुकुट वाली के पास है, उसको वापस लाना। तो पत्नी धर्म से राज धर्म है, पड़ा उसे अपनाना, अपनाना, अपनाना। तो केकई भी सोच रही है, हार गया पत्नी का धर्म,
और छोटा भैया हमारा जिसका नाम हिमांशु यादव है, हिमांशु की तरफ से भी 201 मुद्राएं हैं। आप सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से। देखिए, एक माँ हो गई प्रहलाद की माँ कयाधु, दूसरी माँ मैंने ली है केकई, और तीसरी माँ है राजा मोरध्वज की पत्नी यानी ताम्रध्वज की माँ। अरे वाह, सब लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। अच्छा अच्छा, भतीजी है। बाबूजी को प्रणाम है मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, ये बिटिया छोटी सी जिसका नाम सिया यादव है, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं, ढेर सारा प्यार है सिया के लिए। और 101 मुद्राएं देव के नाना आदरणीय पूजनीय दादा हमारे श्री कृष्ण बाबूजी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। बाबूजी को प्रणाम कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ। धन्यवाद है कि आप उठकर पुरस्कार देने के लिए आए, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। तीसरी माँ, और बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राजा मोरध्वज के द्वार पर एक बार भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर एक मायावी शेर लेकर पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे राजा मोरध्वज, तुम्हारा एक ही पुत्र है रोहित, मेरा शेर भूखा है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने एकलौते पुत्र पर आरा चलाओ और मेरा शेर तुम्हारे बच्चे के मांस को खाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम पति पत्नी की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। डरा कह रहे भैया? अच्छा, हर्ष, हर्ष की ओर से, हम तो डर गए तुमसे भाई। हर्ष की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, ढेर सारा प्यार है छोटे से बच्चे के लिए। अब पति पत्नी दोनों सोच रहे हैं, क्या नाम रुखसार? अच्छा अच्छा, रुखसार की ओर से 50 मुद्राएं हैं, क्या नाम बिटिया? मुस्कान की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। दोनों को ढेर सारा प्यार है, माँ भवानी आपकी झोली भरी रखे। अब उस माँ के सामने देखे कैसी मजबूरी है कि राज धर्म की कठिन परीक्षा, और जहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं तो हमें लगता है हम लोग बहुत छोटे हैं। लेकिन वो माँ, पिता तो कठोर हो सकता है अपने बच्चे पर आरा चलाने के लिए, लेकिन दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे पर आरा नहीं चला सकती। लेकिन उस माँ ने अपने दिल को कठोर किया, कहा मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म कुछ नहीं, धर्म तो सनातन है। ये हिंदू तो हिंदुस्तान में रहकर लोग बन गए हिंदू, लेकिन ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। इसलिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, बस यहाँ देखिए अतिथि धर्म कैसा है। वो मेहमान, हम लोगों के धर्म में मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे घर का सब कुछ बिक जाए। ये सोचकर उस माँ ने अपने बच्चे को बीच में बिठाया, तो राज धर्म की कठिन परीक्षा अतिथि द्वार पे आए, अतिथि धर्म को अपना कर वो राज धर्म ठुकराए, 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 तो हार गया है राज धर्म। उस माँ के आगे हार गया है अतिथि धर्म के, हार गया है राज धर्म तो नारायण भी हर साए। लेकिन माँ तो माँ होती है, तो वो माँ कह रही है कि जिस लालन को कोख से जाया, जिस लालन को कोख से जाया, उस पे कैसे आरा चलाए, तो हाय हाय रे मजबूर। धन्यवाद।
हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए, जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर जाती हैं। स्कूलों में भी एक पाठ पढ़ाया जाता है। कलयुग में एक माँ मिली, हालांकि कलयुग की हर माँ अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन मुझे कलयुग में इतिहास के पन्नों में एक माँ मिली और इस माँ का नाम है पन्ना धाये। पन्ना धाये, उस माँ का दिल देखिए कैसा रहा होगा जब दुश्मनों ने आकर पन्ना धाये के पुत्र को उसके सामने ही काटा। उस माँ के आगे उसका लाल पड़ा है, लेकिन जिसका नमक खाया है, उस राजा का नमक अदा करने के लिए उस माँ ने राजा के पुत्र को बचा लिया और अपने पुत्र को लिटा दिया। दुश्मनों ने आकर उसके बच्चे को उसके सामने काटा होगा तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है कि अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि घात लगाता, अतिथि धर्म का नहीं जब अतिथि घात लगाता, तो सेवक धर्म निभा पन्ना ने जोड़ा पावन नाता नाता नाता। पन्ना धाय ने उदय को बचाने के लिए, राजा के पुत्र उदय को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया, और जब चंदन को दुश्मनों ने काटा तो मेरी लाइन कह रही है कि हार गया है अतिथि धर्म, झुकाए। लेकिन वो माँ कह रही है कि जिस लालन को लोरी सुनाई उसे मौत ही नींद सुलाए, तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी तो दो धर्म जहाँ टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। अगर गीत अच्छा लगा